बेंगलुरु में पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश के चलते हाहाकार मच गया है। कई इलाकों में बाढ़ आने के कारण मंगलवार को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम शहर में फंसे लोगों को निकालने के लिए तैनात की गई। इस बीच शहर के पूर्वी हिस्से में निर्माणाधीन इमारत के ढह जाने से कई लोग मलबे में दब गए। लोगों को बचाने का अभियान जारी है। अब तक 3 शव निकाले जा चुके हैं, 14 लोगों को बचाया गया है, जबकि 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 2 बच्चे झील में डूब गए हैं। अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार पूरी इमारत ढह गई, जिसके बाद लोग उसके नीचे दब गए। अग्निशमन और आपातकालीन विभाग की 2 बचाव वैन को बचाव अभियान में लगाया गया। इमारत ढहने की घटना तब हुई जब शहर के कई इलाकों में लगातार भारी बारिश हो रही थी। अधिकारियों ने बुधवार को स्कूल की छुट्टी भी घोषित कर दी। बेंगलुरु में बारिश के कहर के बाद कर्नाटक सरकार ने कुछ अपार्टमेंट में करीब 600 निवासियों को 8 दिनों के लिए स्थानांतरित होने के लिए कहा है, क्योंकि बारिश का पानी परिसर में भर गया है, जिससे लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। उत्तर बेंगलुरु को बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि यलहंका में और आसपास के कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। यलहंका के केंद्रीय विहार में कमर तक पानी भरा हुआ है। बचाव कर्मियों ने लगातार लोगों को नौका की मदद से बाहर निकाला है। जल जमाव के कारण उत्तर बेंगलुरु में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कई यात्रियों की उड़ान, ट्रेन और बसें छूट गई हैं। जल जमाव वाले इलाकों में बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। निचले इलाकों में कई मकानों में पानी घुस गया है और पास की झीलों में पानी उफान पर है। वाहनों और बिजली के सामान को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक कर्नाटक और तमिलनाडु में भारी बारिश जारी रहेगी। बारिश की स्थिति से निपटने के लिए कर्नाटक की सरकार पर कटाक्ष करते हुए केंद्रीय मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने कहा कि बेंगलुरु सिंगापुर नहीं बल्कि वेनिस जैसा है, जिसे उन्होंने बदलने का वादा किया था। वेनिस इटली का एक शहर है, जहां यातायात के लिए पुल और जलमार्गों का सहारा लिया जाता है। यहां सड़कें नहीं हैं, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए नाव से जाते हैं। वहीं तमिलनाडु के कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। रामेश्वरम में भारी बारिश के कारण शहर की सड़कों पर पानी भर गया है। आईएमडी ने राज्य में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा कर्नाटक, केरल, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और गंगीय बंगाल सहित अन्य राज्यों में भी भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है।